वेल दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शो में जिसका नाम है लाइफ दोगना। मैं हूं रवि, ये है राहुल। और जैसे कि आप देख रहे हैं लाइन से, हमने यहाँ पे कुछ ग्लास भी लगा रखे हैं और दो हमारी बहुत ही पसंदीदा व्यक्ति भी रखी हुई है, मेरी दो ग्रीन ब्यूटीज है ना। तो आज के इस मैच में एक तरफ है विलियम लॉसन, दूसरी तरफ है भाई पता क्या हुआ है, मेरी फेवरेट उस तरफ है, इसकी फेवरेट इस तरफ है। ठीक है, तो अब होना चाहिए ना, मतलब अनबायस्ड होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, अब मेरे को पता है कि मेरी वो फेवरेट है, बट मैंने तेरे को दे रखी है कि तू रिव्यू कर उसका, तू जज कर उसे। अब तेरी वाली मैं कर लेता हूँ, है ना। तो दोनों करेंगे एक दूसरे को, और दोनों के पैलेट्स और दोनों के टेस्टिंग वगैरह चेक करेंगे और देखेंगे कि कैसे और किस तरीके से एक दूसरे को बीट करने की कोशिश में लगी रहती है, कौन सी जीतती है, है ना भाई। कोई सी भी जीते, पसंदीदा दोनों ही है, जीतने हम ही वाले हैं। ठीक है, एट द एंड, बट वो कहते हैं ना, चंद्रमुखी हो या पारो की फर्क पैंदा यारो। बिल्कुल सही कह रहा है। बट ये आज स्पेशल जो ये रिव्यू है आज का, ये स्पेशल कंपैरिजन जो है, ये हम अपने एक और व्यूअर के लिए कर रहे हैं, मिस्टर देवानंद गायकवाड़। तो स्पेशली फॉर यू, आपकी आपने पहले ये रिकमेंड भी करी थी और फिर बाद में आपने रिव्यू पढ़ने के लिए भी बोला, तो वी आर डूइंग दैट। एंड जैसे कि हमने बताया कि हमें दोनों बहुत पसंद आई, एंड आगे देखते हैं कि अब इन दोनों में से हमें कौन सी पसंद आती है। दोनों ही भाई अपनी जगह बेस्ट है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से पोर कर लेते हैं। जेमिसन का ना मेरे को ना भाई ये बड़ा बढ़िया लगता है, इसके ऊपर ना नोज नहीं है कुछ भी उसका स्टॉपर वगैरह नहीं है, स्टॉपर वगैरह नहीं है। मैं बड़े बड़े पैक बना रहा हूँ भाई, मैं छोटे छोटे बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पीने का नहीं भी कर दूँ, कोई भी है तो पिएगा। तुम तो मतलब मैं सिर्फ तेरी फेवरेट आज नहीं पीऊँगा। स्टील वाली कैप होती है ना भाई, इसका अलग ही मजा है। इसमें तो भाई मैं कहूंगा, इसमें भाई तेरी बोतल को जाते हैं प्रोसेस होगा। भाई सिर्फ स्टील की पैकिंग नहीं, ऊपर का स्टील का वो ढक्कन ही नहीं, बाकी पूरी बोतल ही वो इतनी प्रीमियम वे में डिजाइन करी हुई है ना। मतलब जैसे कि मैंने लास्ट आपके जब इसका रिव्यू किया था बताया था कि वो बोतल मेरे को लगती है एक जेंटलमैन जिसने डार्क ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है, उसके अंदर लाइट ग्रीन कलर की शर्ट डाली हुई है और रेड कलर की टाई डाली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो मेरे को बिल्कुल वैसी लगती है बोतल। एंड विलियम लॉसन की बोतल भी अपने आप में एक बढ़िया बोतल है भाई। मतलब ये जो बारटेंडर्स है ना, उनके लिए तो ये बोतल हैंडलिंग इसकी इतनी मस्त होती होगी ना भाई साहब, वो जो घुमाते हैं और जिस तरीके से एक्शन वगैरह जो भी करते हैं बोतल के साथ, मजा आता होगा उनको इसके साथ। तो आगे बढ़ते हैं, चलो तो इसके के बारे में तो आपको, आप इसके हमारे जो इनके मेन इनका रिव्यू कर रहे हैं उसमें आप देख लेना, हमारे चैनल पर डाल दूंगा, आइकन में सब कुछ आपको मिलेगा इसके बारे में, कब बनाई, किसने पैदा करी, क्या टेस्ट है, क्या फ्लेवर है, आपको सब इसका ब्रीफ में मिलेगा, विलियम लॉसन का भी और जेमिसन का भी, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी उसमें। ठीक है, मैं ऊपर भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इनके लिंक, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। उनके साथ जो मैंने रेसिपीज बनाई है वो भी जरूर ट्राई करना। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, इन ग्लास में है विलियम लॉसन और इन वाले ग्लास में है जेमिसन। ठीक है, तो किससे स्टार्ट करेगा बताओ? जेमिसन से। तो कलर बढ़िया है जेमिसन का, मैं पहले बता दूं एडिट कलर है इसका, नेचुरल कलर नहीं है। रीजन बीइंग कि ट्रिपल डिस्टिलेशन के बाद इसमें कोई कलर रह ही नहीं जाता, तो उनको कलर ऐड करना ही पड़ता, मजबूरी है उनकी, बट इसके कलर से इनके टेस्ट पे फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार फिर से कहते हैं ना कि दिन बन जाता है, तो सुबह सुबह जैसे अगरबत्ती ले जाए ना, ये तो वाला चिंता हो जाए ना, वो वाला हो जाता है अपना भाई। जेमिसन का मतलब बहुत प्लेजेंट नोजिंग है, क्या बढ़िया नोजिंग है यार जी। जैसे लास्ट वीडियो में राहुल ने बताया था कि ऐसा लगता है जैसे परफ्यूम बन रहा है, और परफ्यूम वाली ही तरीके से इसकी स्मेल भी है, स्मेल भी है मजेदार। तो नोजिंग के टाइम पे आपको इसमें
फ्रूटी और फ्लोरल नोट्स आपको अच्छे पता चलेंगे, सारे फ्रूटी नोट्स आपको मालूम पड़ेंगे, क्या क्या है इसके अंदर, ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स भी हैं थोड़ा बहुत, आपको एप्पल वगैरह पता चल जाएगा, एप्पल बहुत अच्छी तरह मालूम पड़ेगा, ग्रीन एप्पल जो होता है ना उस तरीके आपको मालूम पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से। और मेज, और मेज तो पता ही है कि इसमें डलता ही है, मेज और माल्टेड हॉप्स वगैरह, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलो टेस्ट करते हैं। एक बढ़िया सा जेंटल सा फिनिश देते हुए ये तक जाती है, मतलब मेरे को ना क्यों पसंद है? ओ भाई, जैसे कि मैंने पहले भी जब इसका रिव्यू बनाया था ना, इस बिस्की को ना जब आप माउथ में पूरा घुमा लोगे उसके बाद जब अंदर से जब आप करोगे ना तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि परफ्यूम जैसी आपके अंदर एक स्मेल दौड़ रही है आपके मुंह के अंदर, दिमाग के अंदर। यही एक जेमिसन को ना खास बनाती है और बहुत अलग करती है दूसरी बिस्की से। और मतलब जो इसकी क्वालिटी है ना वाकई में बहुत अच्छी उंधा क्वालिटी की विस्की है, खासतौर से जिस प्राइस टैग में आती है। दिल्ली में ये 1950 के आसपास की बॉटल है ये, एंड जो प्राइस ये है ना, ये एक्चुअल में मेरे हिसाब से काफी अच्छा प्राइस है इस ब्लेंड के लिए। रीजन बीइंग कि इतना स्मूथ और इतना अच्छा ब्लेंड है ये कि अगर आप और विस्की अगर आप कंपेयर करो, जैसे अगर स्कॉच कंपेयर करो तो सिंगल मॉल्ट में इस तरीके के प्रोफाइल्स आते हैं, ठीक है, सिंगल मॉल्ट में। और सिंगल मॉल्ट आपको पता ही है वो स्टार्ट ही होती है 3-4 हज़ार के बाद से। ये विस्की ना ऐसी है पूरी रात बैठने वाली, एग्जैक्टली, और डिस्कस करने वाली। तो आप ये तो था आयरिस विस्की हमारी, एक बार ऑर्डर डाल के भी देख लें। ट्राई कर लिया भाई, कर लिया हमने इसमें, कलर ज्यादा ऐड इसका चेंज नहीं हुआ, हमने इतना ज्यादा ऑर्डर में ऐड कराई नहीं है। ओ भाई तो मच बेटर, और बेटर, और भी निखर जाती है पानी के बाद, जैसे कि बताया था। जो कैरेमल फ्लेवर होता है ना वो अब निखर के आ गया इसका, जो कि होता ही है, पिछली बार भी बताया था कि इसका कैरेमल और थोड़ा सा चॉकलेटी टेस्ट जो होता है थोड़ा सा निकल के आता है, अच्छा निकल आता है। अब थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, आई प्रेफर इट, मैं भी, मतलब रीजन बीइंग ना कि ऑलरेडी बहुत स्मूथ है, ठीक है, उसमें आप पानी ऐड करते हो तो क्या होता है कि वो जो थोड़े बहुत और जो फ्लेवर है ना वो और थोड़े से ब्लेंड या दब जाता है ना, तो फिर जो टेस्ट जो तुम जिसके लिए पी रहे हो ना वो थोड़ा सा दब जा, थोड़ा सा निग्लेक्टेड फील होता है। या फिर हमारे वाला ऑन द रॉक्स करो, जो हमारे वाला ऑन द रॉक्स है। अब तो सीजन भी आ गया गर्मियों का, अभी हमारे और ट्रिप्स वगैरह प्लान हैं और जाके करेंगे तो आपको हमारे वाला जो लाइव होता है ना ऑन द रॉक्स करके दिखाएंगे, ठीक है। तो चलो ये तो थी हमारी आयरिस विस्की, नो डाउट, जैसे कि हमने बताया, मैं ये नहीं कह रहा कि पानी पिलाने के बाद बिल्कुल खराब होगी, नहीं, अच्छी है उसके बाद भी, बट हाँ क्योंकि वी आर नीट लवर्स तो हमें तो नीट ही प्रेफर। तो जेमिसन हो गई, अब विलियम लॉसन ट्राई करते हैं, ठीक है, तो अगेन नोजिंग से स्टार्ट करेंगे। ऑलमंड्स, क्योंकि थोड़े से आलमंड्स और थोड़े से है ना फ्रूटी, थोड़ा सा फील हो रहा है स्टार्टिंग में, नोजिंग में। ये मेरे को जेमिसन से इसकी नोजिंग थोड़ी सी हार्श लग रही है, आप जब दोनों साइड बाय साइड में कर रहा हूं जेमिसन में, मेरी मेरी वो फेवरेट है, मेरे को भाई इसकी नोजिंग ज्यादा अच्छी, नहीं मैं नोजिंग अच्छी है, मैं कह रहा हूं कि जैसे जेमिसन को ना थोड़ा सा पास में रखना पड़ रहा था उसके बाद उसके आ रहे थे वो ज्यादा प्लेजेंट है कंपेयर टू दिस, ऐसा मेरे को लग रहा है कि वो ना एकदम से नोज पे नहीं लग रही थी, बट उसके मुकाबले अब क्योंकि साइड साइड कर रहे हैं तो विलियम लॉसन थोड़ी सी हिट हो रही है, हिट हो रही है, बाकी है प्लेजेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी तरीके से हिट हो रही है, बट ये कि हाँ ये उससे थोड़ी ज्यादा है नोज पे, थोड़ी हैवी है, नोज हैवी थोड़ी सी जेमिसन पे। और चलो अब टेस्ट कर लेते हैं, नोज पे विलियम लॉसन हैवी है और टंग पे जेमिसन हैवी है, मतलब स्मूथ ये ज्यादा है भाई, स्मूथी बटरी है ना, कैरेमल जेमिसन से ज्यादा स्मूथ है, एप्पल मतलब कि ना एक बहुत सारी चीजें मिक्स करके जब आप खाते हो ना बहुत टेस्टी वाली चीज है, कुछ वैसा टेस्ट आ रहा है मेरे को इसका, तू बता। मतलब जेमिसन का क्या है कि उसका जो प्रोफाइल है, टेस्ट प्रोफाइल है उसका स्टैंडर्ड है उसका,
बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है उसका। बट अगर आप सिर्फ स्मूथनेस चाहते हो और थोड़ा सा बटरी और थोड़ा सा फ्रूटी टेस्ट चाहते हो तो बजट के हिसाब से ये काफी अच्छा ऑप्शन है। इवन मैं ये कहूंगा मतलब ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, नहीं फर्क है। वो पड़ती है 1950 की, ये पड़ती है लगभग 1500 की। हाँ मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, दो तीन चार सौ रुपए का फर्क है, मतलब ज्यादा फर्क नहीं है। आपकी भाषा में बोले 300-400 रुपए में एक और दूसरी बोतल आ जाएगी, छोटा सा क्वार्टर आ जाएगा और कुछ नहीं तो बढ़िया सा चखना आ जाएगा, चिकन। मतलब ये कहना चाह रहा है इस बारे में कि विलियम ब्रॉसन बेटर है क्योंकि 1500 रुपए में, ये कहना चाह रहा है। मतलब ब्रेट रेंज के हिसाब से जो स्मूथनेस है ना इसकी उसके उससे अच्छी है, जैसे कि वो ट्रिपल डिस्टिल्ड है और उसके बाद उसका वो फ्लेवर है, ठीक है, ज्यादा वो स्मूथनेस आई है। और मेरे को नहीं लगता ये एटलीस्ट ट्रिपल डिस्टिल्ड है, ठीक है, ये कमी होगी, हो सकता है दो बार डिस्टिल की हो बट तीन बार तो बिल्कुल भी नहीं करी होगी, और उसके बाद भी जो ये स्मूथनेस लेके आए हैं वो काफी अच्छी है कंपेयर टू जेमिसन। मतलब प्राइस रेंज में ये इसको वीट कर देती है, मतलब वो विनर है। हाँ ठीक है ना। हाँ और रीजन, और सिर्फ प्राइस रेंज की वजह से नहीं, मेरे हिसाब से 1500 रुपए में एक सिंगल मॉल्ट वाली, जो मैंने आपको पहले भी बताया था जो टेस्ट प्रोफाइल है, सिंगल मॉल्ट वाला टेस्ट प्रोफाइल है, अगर आप 1500 रुपए में आपको सिंगल मॉल्ट के अगर आपको कोई विस्की मजे दे देती है तो फिर वो तो इन एनी केस वो जीत ही रही है। तो पानी ऐड कर रहे हैं, कर लेते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल टाइम मिल जाएगा, चली रही है। तो हमें जैसे कि मैं कह रहा था कि 1500 रुपए में सिंगल मॉल्ट वाला टेस्ट प्रोफाइल अगर आपको मिल जाए तो क्या बात ही है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जैक्ट सिंगल मॉल्ट का टेस्ट प्रोफाइल है, वरना फिर और ये मत सोचना कि यार ये मत सोचना तुम्हारे स्टेट में 1500 रुपए की मिल जाएगी तुम लड़ लो। हाँ। भाई 1500 रुपए की चाहिए मेरे को दिल्ली में। ठीक है, तो मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि एग्जैक्ट सिंगल मॉल्ट का टेस्ट प्रोफाइल है, भैया सिंगल मॉल्ट लवर्स प्लीज मेरे गर्दन पे मत आ जाना कमेंट्स बॉक्स में, बट काफी मिलता जुलता प्रोफाइल है इसका, मतलब इसके बाद से सिंगल मॉल्ट का टेस्ट प्रोफाइल स्टार्ट हो जाता है, ये उस लेवल की विस्की है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं ये कहूंगा कि काफी अच्छी विस्की है, बहुत अच्छी विस्की है। और जेमिसन के अगर कंपेरिजन में कहूंगा तो अगेन विन करती है कहीं ना कहीं, जेमिसन अपनी जगह पे है, ये अपनी जगह पे है। ठीक है, अब विनर बोलूं इसको या लूजर बोलूं मेरे को समझ नहीं आ रहा, जबकि जेमिसन मेरी फेवरेट है। मैं बताऊं इसमें विनर लूजर कोई भी नहीं है। एग्जैक्टली जेमिसन के जो फैन बेस है ना, और उसका जो जैसे कि रवि ने जो टेस्ट है ना वो एक अलग है यार, टेस्ट में बताया था रवि ने, बोतल हैंडलिंग बताया था, बोतल की पैकिंग बताई थी, तो एक वो भी यार उसमें भी यार मार जानी चाहिए उसको यार, भाई पैसे खर्च कर रहे हैं प्लास्टिक का यार दे रखा है यार इसमें देख भाई। और ये ना आपका पैसा खराब नहीं है किसी भी तरीके से, खराब नहीं है। इन दोनों में से अगर आप कोई भी विस्की उठा रहे हो ना, आप उसमें अगर 300-400 रुपए ज्यादा डाल रहे हो तो भी एक अच्छी चीज के लिए डाल रहे हो और आप उसको एंजॉय करोगे, और अगर आप 300-400 रुपए कम लेके अगर आप इसको भी अगर चूज कर रहे हो ना कि अगर आपके पास 300-400 रुपए कम पड़ रहे हैं और आपने ये भी उठा ली तो आप उसको मिस नहीं करोगे। ठीक है, ये इस टाइप की विस्की है। तो जैसे कि दोनों शाम में बिताने के लिए भाई बेस्ट है ना, पानी डल गया है, काफी टाइम हो गया है, थोड़ा देख लेते हैं। बिल्कुल हाँ, पानी डालने के बाद उसकी लोडिंग डाउन होती है। हाँ, और जेमिसन की नहीं थी अब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो। हाँ बिल्कुल ही मेलो हो गई है, नीड पी लो मजा आ जाएगा तुम्हें। और इसके साथ में जो बढ़िया चकना जो पिछली बार रवि ने बनाया था ना वही टिकेगा, नकली मत करना क्या भाई 1500 रुपए की पी रहे हो और ये 1900 रुपए की पी रहे हो, तो जो चकना बताया गया ना रवि ने वही फॉलो करना। देखो फाइनल वर्डिक्ट के तौर पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाँ। ठीक है, जल्दी से ज्यादा वेट नहीं कराते। हाँ। तो देखो नो डाउट बहुत अच्छी विस्की है, बहुत अच्छी उमदा लेवल की स्कॉच है ये। ठीक है, आपको किसी भी तरीके से डिसअपॉइंट नहीं करेगी, और अगर आप किसी महफिल में बैठे हो अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, थोड़ी अच्छी सोसाइटी है उसके साथ लोगों के साथ बैठे हो, विनर विनर विनर, तो बहुत अच्छी विस्की है, बहुत कम बहुत किफ़ायती दामों में, और जहाँ पे सोशा ज़्यादा चलता है, जहाँ पे लोगों को पीना पसंद है और थोड़ा सा नाम चलता है, तो जेमिसन तो भाई वर्ल्ड फेमस है अपने लिए। ठीक है, लोग कोई और विस्की विलियम लॉसन को मैं नहीं जानता था आज से कुछ टाइम पहले तक, भाई जेमिसन के पर तो गाना भी बन गया भाई, वही तो हरियाणा में गाना भी बना भाई जेमिसन के ऊपर।
एग्जैक्टली तो विलियम लॉसन एक ऐसी विस्की है जिसको मैं नहीं जानता था कुछ लोगों क्योंकि हिडन जेम टाइप है और उसको तो हर कोई जानता है, हर कोई जानता है, ठीक है, हर कोई जानता है, पुराना ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है, ऑब्वियसली बहुत क्या 1700 का ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है, हर कोई जानता है, तो उसकी भी एक अलग बात है, एक अलग ही पहचान है उसकी, तो आप उसके साथ भी कहीं बुरे नहीं हो, कहीं गलत नहीं जाओगे, बट बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद आती है फिलहाल, है? अपना विस्की दोनों में से लाओ, एंजॉय करो और तुम बताओ कौन सा तुम्हें अच्छा लगता है। बाकी हमारे मेरे हिसाब से तो दोनों ही विनर है, ठीक है, अपने अपनी जगह पे हैं दोनों, क्योंकि प्राइस में टेस्ट, मतलब कि अगर आप बजट में एक अच्छी स्कॉच पीना चाहते हो भाई, विलियम लॉसन सबसे बेटर ऑप्शन है आपके लिए, इससे बेटर ऑप्शन नहीं है आपके लिए, ठीक है ना, और थोड़ी हाई रेंज में जाके ट्रिपल उसके साथ डिस्टिलरी के साथ अगर आप पीना चाहते हो तो जेमेसन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन नहीं है उस प्राइस रेंज में आके, ठीक है ना, सही सही से इसने राहुल ने एक्सप्लेन कर दिया ये, हाँ ठीक है, मैं कुछ ज्यादा ही खो गया अपने जरा एक अपने बढ़िया बढ़िया पैक्स में, हाँ बट आज राहुल ने कंफ्यूजन हो सकता है कि जैसा मेरा क्लियर किया है आपका भी क्लियर किया हो, तो ये था आज का कंपैरिजन, आज का रिव्यू, कोई जीता नहीं कोई हारा नहीं, दोनों बढ़िया बोल रहे हैं, तो देवानंद गायकवाड़ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने एक रिक्वेस्ट करी हमारे कमेंट बॉक्स में कि आपको इन दोनों का कंपैरिजन चाहिए, दोनों का कंपैरिजन आपको मिल चुका है, ऐसे हमारे दूसरे वीडियोस पे भी आप जाइए लोग और आप दूसरे लोगों भी कहिए वो दूसरी वीडियोस देखें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किसका और कंपैरिजन चाहिए, कोई नई विस्की चाहिए, कोई नया रन चाहिए, कोई नई बियर चीज का रिव्यू चाहिए, तो बनाने के लिए मैं और अभी बिल्कुल तैयार हैं, मैं लाने के लिए तैयार हूँ और अभी चकना बनाने के लिए तैयार है, तो दोनों के लिए भाई बढ़िया ऑप्शन है ये, बिल्कुल सही कह रहा है राहुल, तो और डिले नहीं करेंगे, आगे और रिव्यू बनाने हैं, नई बोतलें खोलनी है, तो आगे बढ़ने से पहले इस एपिसोड को खत्म करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, क्यों राहुल, बिल्कुल, व्यूअर्स लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब मस्ट है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वाला रिव्यू कैसा लगा, बिल्कुल, तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ एक नई बोतल के साथ, तब तक के लिए लाइव दोगुना की तरफ से आप सभी को चीयर्स।